हाय दोस्तों को, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि शॉशैंक रिडेम्पशन का हम लोग रिव्यू करेंगे, लेकिन रिव्यू के साथ साथ देखिए आपको पता है कि यहाँ पर मैं मूवी से रिलेटेड काफी कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए इस मूवी को मैं एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको पूरी की पूरी फिल्म बता सकता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आप लोग व्यूवर्स है, मैं भी एज अ व्यूवर्स ही मूवीज देखता हूँ, तो वो जो चीजें होती ना वो एक्सप्लेनेशन से ज्यादा ना पर्सनली जब हम लोग विटनेस होते हैं, हम लोग खुद गवाह होते हैं, चीजें देखते हैं तो ज्यादा मजा आता है। और अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हो, आप मूवी लवर्स हो, तो भाई ये मूवी बिल्कुल आप लोगों के लिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 1994 में, लेकिन ये एक हॉलीवुड मूवी है, लेकिन आज तक आप यकीन मानोगे नहीं, बॉलीवुड ने इस तरीके की एक भी फिल्म नहीं बनाया, एक भी इतनी सी भी फिल्म नहीं बनाया। बॉलीवुड में इतनी ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बनी है, लेकिन जो मैसेज ये फिल्म देती है, जिस तरीके से आप इस फिल्म में स्टार्ट से लेकर एंड तक जो इमोशनली जो जुड़ जाते हो ना, स्पेशली टिम रॉबिन्स के कैरेक्टर एंडी और मॉर्गन फ्रीमैन के कैरेक्टर रेड से, इन दोनों के कैरेक्टर से आप इतना इमोशनली फील करोगे, इतना इमोशनली ज्वाइंट हो जाओगे कि ये फिल्म देखने के बाद भी आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकलोगे। वो इस चीज की बहुत अच्छी बात है। ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेगी, कहीं ना कहीं आपको एक होप से भर देगी। यानी कि लोग बोलते ना कि यार उम्मीद मत करो ये सब चीजों की, लेकिन उम्मीद करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप अगर होप नहीं करोगे, आप उम्मीद नहीं करोगे, तो ऐसी चीजें होगी कैसे। और हर चीज को नेगेटिविटी नहीं लेना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी के हिसाब से उस चीज को सोचना चाहिए और होप नहीं हारना चाहिए। जिस दिन तुम होप हार दोगे, समझ लो तुम जिंदगी की जो जंग है, हम लोग एक हिसाब से बेसिकली एक जंग लड़ रहे हैं, तो जिंदगी की जो जंग है उस जंग को लड़ने के लिए आपको होप होना बहुत जरूरी है, उम्मीद होना बहुत जरूरी है। और वो चीज आपको ये फिल्म में देखने को मिल जाएगी, साथ साथ इस फिल्म में एक बेहतरीन दोस्ती देखने को मिलेगी, जो दोस्ती देखकर आपको अपने दोस्त की याद आ जाएगी। इस फिल्म में बहुत कुछ यार, इस फिल्म का जो डायरेक्शन किया गया ना, इतना बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन किया गया कि एक पल ऐसा नहीं होता इस फिल्म में जहां पर आप फिल्म को देखकर बोर हो। यू तो एक प्रिजनर ड्रामा है, यानी कि पूरी की पूरी फिल्म आपको एक जेल में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है और डायरेक्टर ने बताया, प्लस जो एक्टर्स है टिम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन, इन दोनों ने उस कैरेक्टर को इतना बिलीवेबल तरीके से निभाया है कि आप एक वक्त ऐसा आता है कि आप लोग सोचते हो कि ये वाकई में एंडी और रेड को देख रहे हो, इन दोनों कैरेक्टर को आप लोग देख रहे हो, और उन दोनों कैरेक्टर में आप इतने घुल जाते हो कि आपको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ एहसास नहीं होता। आप पूरा जैम इस फिल्म को देखोगे और फिल्म के खत्म होने के बाद आपको खुशी भी होगी, इमोशनल भी फील होगा और कुछ अलग चीज देखने का एहसास भी होगा। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है एंडी से, यानी कि टिम रॉबिन्स से। उनको एक ऐसे गुनाह के लिए सजा मिलती है जो उन्होंने नहीं किया, यानी कि उनकी वाइफ और उसके लवर का खून के इल्जाम में इनको उम्र कैद की सजा मिल जाती है, जो कि गुनाह इन्होंने किया होता नहीं, लेकिन खैर इनको उसकी सजा मिल जाती है और ये जाते हैं जेल में। जेल में इनकी मुलाकात होती है मॉर्गन फ्रीमैन, जो कि ऑलरेडी वहां पे 20 साल काट चुके हैं, और उनकी दोस्ती होती है इनसे। फिर उनके बाद क्या कुछ सिचुएशन होता है और एंड में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये मूवी शुरू होती है तो मैं ये सोच रहा था कि भाई इसका एंड किस तरीके से होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब ये मैंने मूवी देखा था, मैंने आज नहीं देखा था, काफी साल पहले मूवी देखा था, जब तो मैं यूट्यूब यूज भी नहीं करता था, तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनने का तो सवाल होता नहीं है। खैर आज जब इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज है और आप पर्सनली इस मूवी को देखो तो अलग चीज है। ये मूवी एक ऐसी बेहतरीन मूवीज में से मेरी लाइफ की जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और मैं लोगों को कहूंगा कि भाई इस तरीके की, और पर्सनली ये मूवी को जरूर देखो, क्योंकि ये मूवी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेगी। बहुत अच्छी मूवी यार, मतलब आज इस मूवी के बारे में जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले अगर 100 जन्म भी ले लेंगे तो इस तरीके की बेहतरीन कहानी वाली फिल्म नहीं ला सकते हो। और उसके अलावा जो डायरेक्शन है, हर एक सीन इतना जबरदस्त था, और ये मूवी कल्ट है, मास्टरपीस है, मतलब इसको जितना भी आप तारीफों के इसकी पुल बना दोगे तो वो पुल भी कम पड़ेगा। और इस फिल्म के दीवाने हमारे इंडिया में भी बहुत है, और बहुत से लोगों ने इस फिल्म को देखा है, लेकिन ये वीडियो के बाद मैं चाहता कि रिलीव करो उस मैजिक को, रिलीव करो उस जमाने को, उस ऑरा को, उस फिल्म को। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, ये फिल्म इतनी ज्यादा चली थी, इस फिल्म को आज तो काफी साल हो चुके, लेकिन अगर ये वापस से देखोगे ना, जब भी इस फिल्म को देखोगे ना, आपको लगेगा हम कुछ नई चीज देख रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि अरहान एंटरटेनमेंट में आपको वो सारी कुछ सारे चीजें देखने को मिल जाएगी जो एक बेहतरीन कंटेंट है, क्योंकि मकसद यही है इस चैनल का कि जो बेहतरीन और अच्छी चीजें वो आप तक पहुंचनी चाहिए। अगर शायद आप लोगों ने इस मूवी का नाम आज से पहले नहीं सुने थे, तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे या कोई भी डाउनलोडिंग साइट पे मिल जाएगी, क्योंकि ये मूवी आपको टेलीविजन पे तो एज यूजुअल बहुत साल हो गया यार, इतनी तो मुश्किल है मिलना, लेकिन आपको कोई ना कोई डाउनलोडिंग साइट्स पे मिल जाएगी हिंदी में, नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगी इंग्लिश में। और ये मूवी के लेंथ 2 घंटा 22 मिनट की, जो कि इतना ज्यादा लेंथ है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये एक जबरदस्त तरीके से बनाई गई फिल्म है। हाँ यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है, और पूरी फिल्म नहीं है, मतलब जो इसके मेन पार्ट है उसको जमा करके उन लोग ने मतलब ऐसा अपलोड किया गया, राइट कॉपीराइट का कुछ इशू ना हो, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको सबको कलेक्ट करके वो अपलोड कर दिया गया, लेकिन वो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी पूरी फिल्म देखना तो इसको नेटफ्लिक्स पर जरूर देखना। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही।